राजस्थान में महिलाओं के साथ रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उदयपुर के झाड़ोल तहसील के फलसिया थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म के बाद 2 लाख रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये किशोरी पढ़ाई के लिए उदयपुर के एक हॉस्टल में रहती थी। पीड़िता ने बताया कि पिछले दिनों 10 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अनजान जगहों पर उसे घुमाते हुए हर बार नए आदमी को सौंपा गया। अंत में इस किशोरी को गुजरात के बर गांव निवासी धनराज पटेल के हाथों में सौंप दिया गया, जहां वह उसका शोषण करता रहा। धनराज का कहना था कि उसने किशोरी के लिए 1,80,000 रुपए चुकाए हैं। उधर पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपित पक्ष से समझौता करने के लिए दबाव डाल रही है। पीड़िता की बरामदगी के 2 दिन बाद उसके बयान लिए गए। अब मेडिकल करवाने में पुलिस आनाकानी कर रही है। वहीं DSP निरंजन चारण का कहना है कि मामले का खुलासा कर आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कुल मिलाकर प्रदेश में एक बार फिर सामूहिक रेप का मामला सामने आया है और इसमें पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठे हैं।